जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 55 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले दो आरोपी को किया गिरफ्तार। आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14/10/2023 को मुखबिर सूचना मिली कि थाना मुलमुला पामगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री की जाती है। की सूचना पर SDOP श्री प्रदीप कुमार सोरी के नेतृत्व में थाना पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम कमरीद में रेड कार्रवाई किया गया। आरोपी जगतनिया सिंह उमर 45 साल निवासी कमरीद के कब्जे से 45 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किए जाकर आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध क्रमांक 431/23 धारा 34 बद्वी का अपराध पंजीबद्ध कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार आगामी विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी के लिए जिला में अलग अलग FST टीम उड़न दस्ता गठित किया गया कि टीम को सूचना मिली कि थाना मुलमुला क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है। कि सूचना पर FST टीम प्रभारी श्री चंद्रशेखर साहू नायब तहसीलदार लकड़तरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुलमुला पुलिस स्टाफ के साथ रेड कार्रवाई की गई। मौके पर पाया कि आरोपी श्रीमती गीता खंडेकर उम्र 41 साल निवासी भुट्टा भावर के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद किया जाकर थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 274/23 धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी के कब्जे से जुमला शराब 55 लीटर शराब कीमत 6,500 बरामद किया गया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।